आज घर के देसी स्वाद में बनने जा रहा है रोज कलाकंद। ये मार्केट में 1000 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक की मिलती है, लेकिन आज हम इसे घर पर बनाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो भी सिर्फ 200 से 250 के बीच में। इसमें ना आपको मावा की ज़रूरत पड़ेगी ना किसी तरह की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों ये बहुत ही जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाली मिठाई है। इससे घर पे जो मौजूदा सामान होते हैं आप उसी से ही घर पर बहुत ही जल्दी फटाफट से बना करके इसे सर्व कर सकते हैं। दोस्तों ये मिठाई खाने में जितनी टेस्टी लगती है बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए आइए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं रोज़ कलाकंद। आप केजी करीब मैं पनीर लिया है, 1/2 लीटर ही मिल्क लिया हुआ है, साथ में मैंने 200 ग्राम करीब यहाँ पर दूध पाउडर है और 150 ग्राम यहाँ पर चीनी है पीसी वाली, यहाँ पे थोड़े से पिस्ता और थोड़े से काजू बादाम जो मैंने महीन कट कर लिए, और ये रेड कलर है, और साथ में मैंने अगर फ्लेवर देना है तो इसे वनीला एसेंस या आप कोई सा भी फ्लेवर के लिए ले सकते हैं। कढ़ाई यहाँ पे मैंने गरम कर ली अच्छे से, और साथ में मैं इसमें यहाँ पर 1 चम्मच करीब घी भी ऐड करूँगी। ये देसी घी है दोस्तों, देसी घी जब अच्छे से पिघल गया तो मैंने यहाँ पर दूध जो है उसे भी इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। ये मैंने आप सोच रहे होंगे कि दूध में ये घी क्यों डाला, इसलिए क्योंकि जो ये दूध डाला है तो ये जब हम इसे गाढ़ा करते हैं पकाते हैं तो ये नीचे चिपकने लगता है, घी डालने से इसकी तली में ये चिपकेगा नहीं। अब आपको इस दूध को तब तक पकाना है जब तक ये हाफ हो जाएगा, और इसे अभी फुल फ्लेम पे पकाएंगे लेकिन इसे कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया सा दूध जो है अच्छे से पक रहा है। जब तक दूध पक रहा है हम इधर जो ये पनीर हमने लिया था इसे आप कद्दूकस कर लीजिए, चाहे तो आप इसे हाथों की हेल्प से मैश भी कर सकते हैं, लेकिन कद्दूकस किया हुआ पनीर का जो इसमें टेस्ट आता है कलाकंद में बहुत ही बढ़िया आएगा। ये देखिए इधर दूध अच्छे से खौल रहा है, दूध को भी हमें अच्छे से पका लेना है। दोस्तों ये मिठाई बनाना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बिल्कुल जो आपके घर पे मौजूदा इंग्रेडिएंट्स होते हैं आप उसे ही घर पे उसी से आप रेडी कर सकते हैं। ये देखिए दूध खोल कर अब हाफ हो गया है, अब इस स्टेज पे आपको जो ये मिल्क पाउडर है उसे धीरे धीरे 2-2 4-4 चम्मच करके ऐड करते जाना है। दोस्तों याद रखिए कि जब भी आप दूध पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो आँच एकदम स्लो होनी चाहिए, अगर तेज हुई तो इसमें जो नीचे है चिपक जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये देखिए कितना बढ़िया सा, अब दूध और मिल्क पाउडर को अच्छे से पक जाने दीजिए, कम से कम इसे 5 से 7 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। धीरे धीरे एकदम लो टू मीडियम आंच मैंने कर दी और इसे लेकिन कंटिन्यू चलाते रहना है। दोस्तों ये जो हम मिठाई आज रोज़ कलाकंद बनाएंगे इसे आप घर पे मौजूदा इंग्रेडिएंट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर घर पे दूध होता ही चीनी होती ही है। जब कभी भी आपका मन करे घर पे पनीर बनाइए, और पनीर बनाते हुए जिस प्रोसेस से मैं बता रही हूँ आप इसे फटाफट से बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए अब दूध और जो ये पाउडर था मिल्क पाउडर बहुत बढ़िया से अच्छे से पक गया है, लेकिन इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारा कुछ मीठा खाने का मन है लेकिन मार्केट कोई नहीं जाने वाला है, तब आप इसे बना करके रेडी कर सकते हैं, या फिर कभी किटी है या कभी कोई गेस्ट सडन में आने वाले हैं तो आप इसे फटाफट से बनाकर रेडी कर लीजिए, लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ये देखिए दूध कितना गाढ़ा हो गया है, और पकाने के बाद में जब ये अच्छे से जब ये पक गया है तो जो मैंने पनीर लिया था पनीर को इस स्टेज पे हमें ट्रांसफ़र कर देना है। ये देखिए अब ये सारा पनीर दूध और जो ये पाउडर है ये सारी चीज़ें अच्छे से आपस में पक जाए, इसके लिए हमें लो टू मीडियम आंच पे कम से कम हमें 5 से 7 मिनट इसे पका लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा बढ़िया सा कलाकंद बनकर रेडी हो गया है। अभी हम यहाँ पर 2 कलर का कलाकंद बनाएंगे, इसलिए हमें कलाकंद को हाफ हाफ करके निकाल लेना है। ये देखिए पक गया, अब इस स्टेज पे आपको चीनी भी ऐड कर देनी है। दोस्तों याद रखिए कि चीनी आप पहले नहीं ऐड कीजिएगा वरना इसका जो कलर है थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखें कि जब एकदम अच्छे से जब पक जाए इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो तब आप एकदम लास्ट स्टेज पर इसमें चीनी ऐड करिएगा, क्योंकि चीनी को डालते ही ये पानी ऑलरेडी अपने आप से छोड़ने लगता है, तो इसे
हम 2 मिनट तक और अच्छे से पकाएंगे ताकि जो इसने चीनी ने पानी अपने पास से छोड़ा है इसे भी हम इसे पका सकें। थोड़ा सा ठीक हो जाने दीजिए। और इसकी पहचान ये है कि कढ़ाई में अपने आप से ये साइड इसके जो है ना छोड़ने लगता है। ये देखिए कितना बढ़िया सा पक गया है। अब इस स्टेज पे आपको एक प्लेट में निकाल लेना है क्योंकि हमें 2 कलर का बना रहे हैं। देखिए इस कलाकंद को जो है हमने हाफ हाफ पोर्शन करके निकाल लिया है, यानी कि एक पोर्शन हमने निकाल लिया है हाफ तकरीबन हाफ, और यहाँ पे दूसरा वाला जो पोर्शन है इसमें हम यहाँ पे रेड वाला कलर जो ये फूड कलर आता है उसे हम इसमें डाल देंगे, सिर्फ एक ड्रॉप बस। अगर आपके पास यहाँ पर फूड कलर नहीं है तो आप जो पाउडर वाला आता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पे जो रोज़ शरबत आता है यानी कि जो रोज़ वाला गुलाब का जो शरबत आता है आप इसे एक ढक्कन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका फ्लेवर भी आ जाएगा और कलर भी। ये देखिए अब यहाँ पर जब अच्छे से पक गया है रेड वाला भी तो इसे हमने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के लिए आप चाहे तो पंखे की हेल्प ले सकते हैं। ये देखिए बढ़िया से जब ठंडा हो गया तो आप इसे फ्लेवर आप जो भी देना चाहते हैं आप इसे फ्लेवरफुल बना सकते हैं, या तो फिर आप इसमें इलायची डाल दीजिए या फिर वनीला एसेंस डाल दीजिए या जो भी आपको फ्लेवर पसंद है आप उसके अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हाथ से टच करके देखा हमने कि टच करने लायक होगी। यहाँ पर आप एक कुकीज कटर लीजिए या फिर एक इस तरह के बच्चों का जो टॉयज होता है आप रिंग भी ले सकते हैं। तो देखिए हम धीरे धीरे जो कलाकंद है वाइट वाला पहले 2 चम्मच मैंने इसमें इसे ट्रांसफ़र किया और फिर स्पून की हेल्प से धीरे धीरे दबाते हुए इसे निकाल लेंगे। देखिए अब ऊपर से जो हमने जो ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे ऊपर से इसमें हम डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए धीरे से निकालेंगे, वाव 1 2 3 बढ़िया हमारा रोज़ कलाकंद भी बनकर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैं दूसरा भी बनाकर दिखा देती हूँ। देखिए पहले हमने नीचे वाइट वाला 2 चम्मच करीब इसमें डाला और स्पून की हेल्प से अच्छे से दबा दीजिए। ऊपर से हम इसमें 2 चम्मच यहाँ पे जो रेड वाला था पिंक वाला उसे भी इसमें हम ऐड कर देंगे। ऊपर से जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं उसे खूबसूरत से लगा देंगे और थोड़ा सा हम आपके पास जो रोज़ पंखुड़ियाँ हैं उसे भी लगा देंगे और धीरे से सावधानी से ऊपर ये मोल्ड को हम नीचे ऊपर की ओर खींच लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा घर पर ही रोज़ का लकड़ बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों अगर आप जिसे भी खिलाएंगे वो तो आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेगा, तो आप लोग इसे घर पे ज़रूर बनाइएगा और अपने अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।